कि कर्ज माफी का बड़ा वादा सरकार पूरा करने जा रही है और इसी के तहत कल एक बड़ा आयोजन लखनऊ में होने भी वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। सर, कल का आयोजन क्या होगा, कितना बड़ा होगा, कितने किसानों को राहत दी जाएगी, क्या तैयारी है? देखिए, ये कल लखनऊ जिले से शुरुआत इसकी हो रही है। उत्तर प्रदेश ऋण मोचन योजना, जिसमें किसानों का फसली ऋण का मोचन किया जाना है और उस 1 लाख रुपए तक की सीमा तक हम लोग उसका ऋण मोचन करने वाले हैं। उस कार्यक्रम का शुभारंभ कल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और मुख्य अतिथि भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी की वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। और कल उस कार्यक्रम की शुरुआत जो है स्मृति उपवन, जहाँ पर लखनऊ महोत्सव होता है, वहाँ कल 3 बजे दोपहर के बाद 3 बजे से वो शुरू होगा। उस कार्यक्रम की शुरुआत है और वहाँ लगभग 7,500 किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र कल वितरित किए जाएंगे। बाढ़ के हालात की वजह से फसलें खड़ी थी वो पानी में चली गई, कटान की वजह से बहुत सारे खेत नदी में समा गए। कुछ डेटा, कुछ रिकॉर्ड या फिर कुछ आप लोग आश्वासन दे रहे हैं ऐसे किसानों को जिनके बाढ़ में फसल खराब हो गई? देखिए, ये 3-4 दिनों के भीतर ये आई है, तो अभी पहला काम ये है कि उनके बचाव का, और वो बचाव की शुरुआत जो है वो कर दी गई है और जगह जगह पर नावें लगाई गई हैं। जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी और सिंचाई मंत्री जी ने दौरा किया हुआ है और करके और सारी उनके बचाव के सारे उपाय किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। सूर्य प्रताप शाही जी हैं जिनका ये कहना है कि सरकार ने जो बड़ा वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का, उसकी शुरुआत कल लखनऊ से की जा रही है। इसके बाद जो प्रभारी मंत्री हैं और जो जिलाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जिलों में किसानों की कर्ज माफी का प्रमाण पत्र उन्हें सौंपे। कैमरामैन गणेश के साथ अनामिका सिंह, APN लखनऊ।